क्या होगा यदि एस्केलेटर में आपका पैर फंस जाए या फिर आपने जो पहने हैं वो कपड़े फंस जाए। एक बात तो पक्की है, एस्केलेटर एक मशीन है, रुकेगा तो नहीं, और ऊपर से 100 किलोवाट की एक पावरफुल मोटर लगी है, तो हमारे कपड़े या हाथ पैर फंस जाने से उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जोक सपाट, यह सब समझने के लिए हमें एस्केलेटर की वर्किंग को समझना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एस्केलेटर का हिंदी मतलब होता है स्वचालित सीढ़ियाँ, या अंग्रेजी में इनको रिवॉल्विंग स्टेयर भी बोल सकते हैं। एस्केलेटर वहाँ लगे रहते हैं जहाँ पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हुआ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। वैसे एलिवेटर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, पर यह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं। जैसे यदि कोई शॉपिंग मॉल है जिसके 6-7 फ्लोर है, तो वहाँ पर यह ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पर एलिवेटर के साथ प्रॉब्लम यह आती है कि यह एक साथ ज़्यादा लोगों को कैरी नहीं कर सकता, जबकि एस्केलेटर उतने ही स्पेस में बहुत से लोगों को एक साथ कैरी कर सकता है। लेकिन एस्केलेटर में यह प्रॉब्लम आती है कि यह ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं लेके जा सकता, यह सिर्फ 1 या 2 फ्लोर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। जनरली 2 एस्केलेटर पास में लगे रहते हैं, जिनमें से एक ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा नीचे की तरफ आता है, और यह बिल्डिंग में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आप इनको देख सकते हो, यदि कम स्पेस हो तो इनको इस तरीके से सेट कर दिया जाता है, यानी जो भी अगला फ्लोर है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग इनको सेट किया जाता है। कहीं पर ये ज़्यादा लॉन्ग होते हैं तो कहीं पर ये ज़्यादा वाइड होते हैं, और कई बार बहुत से एस्केलेटर एक ही डायरेक्शन में लगे रहते हैं, और यह ज़्यादातर शॉपिंग मॉल या रेलवे स्टेशन के एग्जिट पर लगे रहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, आजकल स्पाइरल एस्केलेटर भी यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एस्केलेटर के अंदर जो भी स्टेप्स होते हैं वह सब एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, और इन बहुत से स्टेप्स को सीरीज में कनेक्ट करके एस्केलेटर तैयार किया जाता है। और यह जो स्टेप है वो स्ट्रॉन्ग स्टील के बने होते हैं। स्टेप के ऊपर आप यह जो पट्टी देख पा रहे हो जो येलो कलर की है, यह हमारी सेफ्टी के लिए होती है, ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा स्टेप कहाँ तक है। एक और चीज़ आपने इन एस्केलेटर में देखा होगा कि जब यह टॉप पर होते हैं या जब यह बॉटम पर होते हैं, तो यह एकदम फ्लैट रहते हैं, और बीच में एकदम सीढ़ी की तरह इनमें स्टेप बने रहते हैं। आखिर यह ऐसा कैसे हो पाता है, जबकि यह बीच में से बिल्कुल भी नहीं मुड़ते हैं, हर स्टेप अपने आकार में फिक्स रहता है। हर जो स्टेप है उसके नीचे छोटे छोटे व्हील लगे रहते हैं, जो इन स्टेप्स को गाइड करते रहते हैं कि किधर से इनको चलना है, और इन्हीं छोटे छोटे व्हील्स की हेल्प से एस्केलेटर के जो स्टेप है जब ऊपर और नीचे रहते हैं तो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर में आ जाते हैं जब यह ऊपर और नीचे रहते हैं। तो अब समझते हैं अपन कि यह ऐसा कैसे होता है। यह जो आप देख पा रहे हो यह है एक स्टेप चेन, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे व्हील लगे रहते हैं, जो इस एस्केलेटर के स्टेप को रोटेट करवाते हैं, और इस स्टेप चेन के ऊपर की तरफ जैसा आप देख पा रहे हो, हर स्टेप को ऐसे जोड़ दिया जाता है, और इन स्टेप्स के दोनों तरफ इस स्टेप चेन को सेट कर दिया जाता है। अब जरूरत है तो एक ट्रैक की, यानी जिस रास्ते पर इन सभी व्हील्स को चलना है। अब आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ऊपर के जो व्हील है वो स्टेप चेन के व्हील्स है जो घूम रहे हैं, और ये जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो इनमें घूमते हैं जो स्टेप है उनके व्हील्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक रास्ता सा बना हुआ है जिसके अंदर इन स्टेप्स के व्हील सेट रहते हैं, और इसी रास्ते में इनको चलना होता है। अब हर स्टेप की जो पोजिशन है वो तो सेट हो गई, लेकिन यह ऊपर नीचे की तरफ फ्लैट कैसे होते हैं वो देखते हैं। जब यह स्टेप बीच में रहते हैं तो स्टेप चेन के व्हील और इन स्टेप के व्हील पास पास में रहते हैं, ताकि यह एक सीढ़ी के जैसे बने रहें। लेकिन जब यह स्टेप नीचे की तरफ आते हैं तो स्टेप चेन का रास्ता तो एकदम फिक्स रहता है, लेकिन जो ये स्टेप है उन व्हील्स का रास्ता थोड़ा दूर होता चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यानी हर जो एक स्टेप है जब नीचे या ऊपर की तरफ होता है तो अपने व्हील की मदद से झुक जाता है, और जो आगे वाला स्टेप है उसके बराबर में आ जाता है, और इस प्रकार यह एकदम फ्लैट हो जाते हैं जब यह ऊपर और नीचे की साइड में होते हैं। तब जब यह स्टेप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यह नीचे की तरफ चले जाते हैं, और इस प्रकार इन सभी स्टेप से मिलकर एक चेन बनी रहती है जो सीरीज में आपस में जुड़े रहते हैं। अब बात आती है कि इनको घुमाता कौन है, तो इस एस्केलेटर को घुमाने के लिए एक पावरफुल मोटर को काम में लिया जाता है, जिसका नाम है 3-फेज इंडक्शन मोटर, जो 100 किलोवाट की होती है और जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। इस मोटर को एक गियर बॉक्स की मदद से इस स्टेप चेन के जो व्हील है इनमें फिक्स कर दिया जाता है, और चेन की मदद से मोटर और गियर बॉक्स को कनेक्ट करके घुमाया जाता है। साइड में एक और गियर बॉक्स लगाते हैं, जो ये पहले वाला गियर बॉक्स है जिससे स्टेप चेन घूमती है, इसी से एक चेन की मदद से दूसरा गियर बॉक्स लगाते हैं, और यह जो गियर बॉक्स है यह घुमाता है हैंड रेल को, जिसको अपन पकड़ के रखते हैं जब यह एस्केलेटर चलता है। यह जो ऊपर
की जो पट्टी होती है ना, जो इन सीढ़ियों के साथ में चलती है, इसी को बोलते हैं हैंडरेल। और इस हैंडरेल की स्पीड भी एस्केलेटर की स्पीड के बराबर ही होती है। और यह हैंडरेल इसलिए लगे रहते हैं ताकि हम एस्केलेटर की साइड के पास खड़ा रह सके और यदि हैंडरेल पर हाथ रखे तो हमें कोई चोट ना लगे। और एस्केलेटर के ये जो सभी पार्ट है, जैसे इसकी मोटर हुई, यह स्टेप चेन हुआ, यह जो स्टेप्स है, इनको एक स्ट्रॉन्ग मेटल की फ्रेम के अंदर रखा जाता है जिसको बोलते हैं ट्रस। और दोस्तों एक चीज यहाँ पर एक और है कि एस्केलेटर की स्पीड को हम जरूरत के हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। एस्केलेटर के ऊपर और नीचे की तरफ कॉम प्लेट को सेट किया जाता है जिनको आप देख पा रहे हो, और इनका काम होता है यह जो स्टेप है इनको अच्छे से फिट करके रखना और एक लाइन में स्टेप्स को चलते रहना। और दूसरा इनका फायदा यह होता है कि यदि कोई भी चीज एस्केलेटर पर गिर जाती है तो यह उस चीज को एस्केलेटर के अंदर जाने से बचाता है। इवन दैट हमारे पैर होते हैं उनको भी एस्केलेटर में नहीं फंसने देती। यदि आपने नोटिस किया हो तो एस्केलेटर के साइड में ब्रश लगे रहते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, और जब भी हम एस्केलेटर के साइड में टच होते हैं तो यह ब्रश हमारे पैरों से टच होते हैं। उसका मतलब यही होता है कि एस्केलेटर की जो साइड है उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखे ताकि हमारे कपड़े एस्केलेटर में ना फंस जाए। और बाय चांस यदि आपके पैर या कपड़े एस्केलेटर में फंस जाते हैं तो वहीं पास में होता है एक इमरजेंसी बटन, तो आपको जोर जोर से चिल्लाना है ताकि कोई दूसरा आदमी एस्केलेटर का इमरजेंसी बटन दबाकर उसको रोक दे। तो दोस्तों एस्केलेटर में हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल भी ना के बराबर चांस होते हैं कि एस्केलेटर से हमको कुछ नुकसान हो पाए। और एस्केलेटर उस टाइम पर रुक जाते हैं जब कोई भी पर्सन उनका यूज नहीं कर रहा है, और यदि जैसे ही कोई पर्सन एस्केलेटर के कॉम प्लेट पर पैर रखता है तो वो शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर सेंसर्स लगे रहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।